हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम है शिवांश बसी। आज वाली वीडियो पे हम लोग सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एक थॉरली एनालिसिस करेंगे। यस गाइस, कोई भी स्टॉक्स के ऊपर आज बात नहीं होने वाली, बिकॉज ये शायद एक मार्केट का टर्न अराउंड हो सकता है। जिस तरीके से मैं अभी ऑप्शन डाटा को चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन डाटा के अंदर हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में एक ज्यादा रिएक्शन आने को देखने को मिल सकता है। वेदर इट्स अपसाइड और डाउनसाइड इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। एक लॉजिकल वे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा जाएगा कि किस वजह से आपको लग रहा है या ऑप्शन डाटा में क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट का रूप किस तरीके से जा सकता है आगे फॉरवर्ड पे। सो एक बार हम लोग निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन डाटा पे एक बार चेक करते हैं और प्लस देखेंगे एफआईआर डाटा या एफआईआर कर क्या रहे हैं और उनकी वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो लोग कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में किस साइड ज्यादा हैवी अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। तो सारी चीजें होंगी इस वीडियो के अंदर, बट गाइस स्टॉक्स की एनालिसिस या कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन में अभी नहीं देना चाहूंगा, उसकी वजह से क्या होगा, बाय चांस मार्केट अगर उस डायरेक्शन में जाती है और हमारे स्टॉक्स वर्क नहीं करते हैं तो हमें ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। इस वजह से स्टॉक्स पे अभी थोड़ा सा साइड रहते हैं। एक बार मार्केट को देखते हैं कि ये वाली जो 1 जुलाई की एक्सपायरी है ना गाइस, ये हमें बताएगी कि अभी जुलाई का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से रह सकता है। ठीक है, सो हम लोग अभी फर्दर स्टडी करते हैं। प्लस अभी थर्सडे संडे आने वाला है गाइस कुछ ही टाइम पे, तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे नीचे वाले फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके जल्दी सब्सक्राइब करिए। आपको नीचे वाले डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसे क्लिक करना है, वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। एवरी संडे आप लोगों को मेल पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की टीम से एक रिसर्च रिपोर्ट थॉरली मिलेगी, जिसपे एक एडवांस तरीके की होगी, टेक्निकल एनालिसिस होगा पूरा, ऑप्शन होंगे, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी नेक्स्ट वीक से मिलने वाली है आप लोगों को, प्लस स्विंग ट्रेड्स भी होंगे। सो वो अगर आप लोगों को पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। प्लस नीचे आप लोगों को एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहां पर आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो भी शो करनी होगी, उस वीडियो के थ्रू भी जाके आप खोल सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, विदिन 1 आवर आपके पास लॉग इन की क्रेडेंशियल्स आ जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और चेक करते हैं हमारी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, विदर इट्स अपसाइड और डाउनसाइड। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग अपने निफ्टी के ट्रेड सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस पे चलेंगे और देखेंगे ये एक्सपायरी पे, ये जो 1 जुलाई की एक्सपायरी है, इस पे हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं कि हम लोगों को कुछ पैसा मिल सकता है। ठीक है, सो चलिए फर्दर स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो से आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों को कैसे ट्रेड लेना है मार्केट में। मैं इतनी इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, जो स्टेप्स मैं यहाँ पर बताऊंगा, अगर आपने बस इसे फॉलो करा ऑन अ रेगुलर बेसिस पे तो आप लोग भी निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ अर्न कर पाएंगे या मार्केट की सिर्फ डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। सो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड नोट करते रहेगा जो बातें मैं बोलते रहता हूँ जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने एक अपर साइड में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा हुआ है, इसको मैं रेड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड थर्ड टॉप। सो ये ट्रिपल टॉप बना है, विच इज अ वेरी बियरिश साइन। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल टॉप एक बियरिश सिग्नल होता है, एक बियरिश कैंडलस्टिक होता है। सो यहाँ पर हम लोगों को एक बढ़िया मूव दिख रही है कि एक डाउन साइड हम लोगों को ऑन अ आर्ली टाइम फ्रेम देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग और फर्दर स्टडी करते हैं तो इसकी क्लोजिंग हुई है एग्जैक्ट एट दिस प्राइस, ऑलमोस्ट 15,750 के आसपास। अब आपको एक चीज देखनी है, ट्रिपल टॉप तो बन चुका है, जब ट्रिपल टॉप बने तो बियरिश साइन है, बट हम लोग एक चीज देख रहे हैं, बियरिश साइन पता लगाने के लिए हमें 2 कन्फर्मेशन की नीड होती है। इसे नोट करती रहेगा गाइस अपनी कॉपी पे, 2 कन्फर्मेशन की नीड होती है, पहली लोअर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे हाई तो ऊपर की तरफ बना है, ठीक है, बट यहां पर हम लोग इसे डबल टॉप भी कह सकते हैं, ठीक है, 2 टॉप भी कह सकते हैं, तो एक कंफर्मेशन तो हमें मिल चुका है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, लोअर लो बनना चाहिए, ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है, क्या इसको ब्रेक करा है, क्या इसके नीचे नया लो बनाया है, लोअर लो बनाया है, नहीं बनाया अभी तक। सो जब तक इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं देता जो कि 15,677 है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग देके नीचे नहीं जाता, तब तक हम लोगों को एक बियरिश साइन का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी बता रहा हूँ क्योंकि हमें जुलाई की एंड की एक्सपायरी तक की भी बात करनी है। एक एक्सपायरी अगर वीकली खराब होती है तो ज़्यादातर मान के चलते हैं सारी एक्सपायरियाँ खराब निकलती है। यहाँ पर आपको देखना है, अगर ये नीचे जाता है, नीचे जाने का मतलब है 1 आवर पर क्लोजिंग भी देता है, नीचे जाता है, हमें एक दोनों सिग्नल मिल गया, दो कन्फर्मेशन मिल गया, एक तो लो हाई भी बिल्कुल बेकार है एंड लो भी लोअर लो बना है। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो हम लोगों को सेल ऑन राइज करना होगा, ना कि बाय ऑन डिप्स करना होगा, ठीक है। यहाँ सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, अभी तक हम लोग बाय ऑन डिप्स करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग फिर सेल ऑन राइज करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज बियरिश साइन की दो कन्फर्मेशन हम लोगों को क्लिप कंप्लीट हो जाएगी। अब अभी क्लोज हुआ ये 15,750 पे, हमारे जो टारगेट्स देख रहे हैं वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं 15,680 से लेके 15,530 तक का, ठीक है। ये दो टारगेट्स हम लोग मान के चल रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है, ठीक है। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक शार्प फॉल आई ऑलमोस्ट 945 के आसपास, उसके बाद थोड़े टाइम कंसोलिडेट करा, अगेन ऊपर के अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, देख रहे हैं प्रीवियस हाई को ब्रेक करा। अब प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, एक कन्फर्मेशन मिली कि यार ये जो डाउन साइड थी ये शायद अपसाइड में कन्वर्ट हो सकती है। सो बुलिश के लिए दो कन्फर्मेशन क्या होती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे एंड जो उसका लो है उसे ब्रेक ना करे। बट आज के हुआ क्या, प्रीवियस हाई को तो ब्रेक कर दी, लो को भी नीचे ब्रेक कर दी, तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन हुआ, दूसरा नहीं आया, तो यानी कि डाउन साइड अभी भी है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था, बुलिश साइन का कन्फर्मेशन नहीं आया, बियरिश साइन का अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू है। सो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप लोगों को 15,740 के नीचे 15 मिनट की एक रेड कैंडल अगर आपको दिखती है तो वहाँ पर आप लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। यस गाइस, अगर 15,740 के नीचे आप लोगों को एक 15 मिनट की कैंडल डाउन साइड पर दिखती है तो आप लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, यहाँ पर डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है बिकॉज ये एक स्ट्रांग लेवल है, ठीक है। अभी स्ट्रांग लेवल क्यों है, क्योंकि इसका ये प्रीवियस स्विंग लो है, यहीं से एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक शार्प अप मूव आई थी। एक दूसरी चीज़ के लिए भी एक स्ट्रांग सपोर्ट का एक्ट करेगा, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स मूव टू अ डेली टाइम फ्रेम। जब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और मैं इस पर एक मूविंग एवरेज लगाना चाहूँगा जो कि 20 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। 20 एक्सपोनेंशियल की अगर एक ये मूविंग एवरेज है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एग्जैक्ट यहीं पर ही सपोर्ट ले रही है और यहीं से बाउंस कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को किस बढ़िया तरीके से रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग एक मान के चल सकते हैं। बट अगर गाइस इस पे कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तब तो ये और ज़्यादा बियरिश साइन हो जाएगा, प्लस इसका कन्फर्मेशन भी हो जाएगा कि इसने अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग दिया है। सो अब हमारे लिए एडवांस एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन निकल के आएगा सेल ऑन राइज के लिए। कभी भी एक बाय पुल बैक देगा तो हम लोगों को शॉर्ट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो हम लोग अपने बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को क्लियरली एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि अकॉर्डिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है बिकॉज निफ्टी में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर एक ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो है, प्लस वो अपने 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, प्लस वहाँ पर एक लोअर लो का बनने का कन्फर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। एक ऊपर की तरफ मूव आई, नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, अगेन ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा और अब ये नीचे आ रहा है। सो एक स्ट्रांग सपोर्ट तो इसके लिए जो लेवल है वो है ये लेवल का, ठीक है। इसको मैं पिंक पर्पल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये लेवल 34,600 रुपीज़ का जो लेवल है, इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट का एक्ट करेगा ये लेवल से लेके ये लेवल तक। तो मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। ये लेवल सबसे ज़्यादा अभी एक्ट करेगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के लिए, ठीक है। बिकॉज अगर ये ब्रेक हुआ तो जो ये लॉन्ग साइड का जो एक कन्फर्मेशन था वो बियरिश साइड में कन्फर्म हो जाएगा और वहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर भी एक शॉर्ट साइड या शॉर्ट पोजीशन भी लेकर चल सकते हैं। अब बात करें अगर लॉन्गर टाइम पीरियड की, मतलब अगर हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं, सो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी वीक है बिकॉज उसने अभी तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा और निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है। बट अगर लोअर टाइम पे बात करें तो लोअर टाइम पे निफ्टी से बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है बिकॉज ये हायर हाइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम लोगों को शॉर्ट भी बनाना हो
तो हम लोग बना सकते हैं, मतलब अगर हम लोगों को इंट्राडे में काम करना है तो हम लोग बना सकते हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी पे। बट अगर हम लोग वीकली बेसिस पे अगर पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं या जुलाई के बेसिस पे होल्ड करना चाहते हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली निफ्टी ज़्यादा वीक है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अब पोजीशन किस तरीके से लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि इसने क्लोजिंग दिया 35,000 पे, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली है कि अगर 34,900 ब्रेक होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यस 15 मिनट पे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ये 34,980 का लेवल को 15 मिनट के नीचे क्लोज करता है तो हम लोग शॉर्ट बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा, हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 34,800 का एंड 34,650 का। ठीक है, सो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक लेवल बना देता हूँ, इसके नीचे हम लोगों को 15 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए जो कि 34,970 का लेवल है। नोट कर लिए, जैसे ही 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है हमारा टारगेट्स ये एक तो ये लेवल होगा, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, एंड हमारा एक लेवल जो ऑलरेडी आपको नीचे शो कर रहा है। ठीक है, बाय साइड की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बाय साइड में यस डेफिनेटली कल ये एक पुल बैक दे सकता है, उसके बाद दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बाय करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, वो ऑप्शंस पे मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस पे दोनों बियरिश दिख रहे हैं, ज़्यादा बियरिश नहीं है बिकॉज इन्होंने अभी तक अपने कन्फर्मेशन को कम्प्लीट नहीं करा। ठीक है, बट बियरिश दिख रहे हैं। सो अब बात करते हैं इसे कंफर्म करने के लिए ऑप्शंस पे चलते हैं, ऑप्शंस पे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। सो चलते हैं अपने ऑप्शन चेन की तरफ। सो जैसा कि अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ चुके हैं। ऑप्शन चेन पे अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ देखनी है, आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन कलर के बार्स दिख रहे होंगे एंड यहाँ पर आप लोगों को एक रेड कलर के बार्स दिख रहे होंगे। रेड कलर के बार्स का इंडिकेशन क्या है? बियरिश। एंड ग्रीन कलर के बार्स का इंडिकेशन क्या है? बुलिश। अब ग्रीन कलर के जो बार्स बने हैं वो बने हैं पुट साइड में एंड रेड कलर के जो बार्स बने हैं वो बने हैं कॉल साइड में। अब आप लोगों को एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही होगी, अगर कोई लोग ये मेरी नई वीडियो देख रहे होंगे पहली बार, सो कन्फ्यूजन क्या हो रही होगी, सर आपने पुट साइड में देखा कि ग्रीन कलर के बार्स बन रहे हैं और वो आपको बुलिश बोल रहे हो, बट पुट का मतलब तो होता है बियरिश और कॉल का मतलब होता है बुलिश। सो गाइस, यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो ऑप्शंस पे काम करते हैं वो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, मतलब ऑप्शन सेलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बायर्स। सो ये जो ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट, ये जो डाटा हम लोगों को पता चलता है ना, ये हम लोगों को एक्चुअल में कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स का पता चलता है। सो अगर पुट बायर मतलब होता है बियरिश तो पुट सेलर का मतलब होता है बुलिश। ठीक है, कॉल बायर का मतलब होता है बुलिश तो कॉल सेलर का मतलब होता है बियरिश। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कॉल सेल हो रही है इसलिए ये रेड कलर के बार्स हैं और पुट सेल हो रही है इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर के बार्स हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कोई भी समझ सकता है, फिफ्थ क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आप लोगों को जो बार्स देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े बार्स हैं वो आप लोगों को कॉल साइड में देखने को मिल रहे हैं या पुट साइड में देखने को मिल रहे हैं? ऑफकोर्स आप लोगों को बड़े बड़े बार्स आप लोगों को कॉल साइड में देखने को मिल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बार्स आपको पुट साइड में देखने को मिल रहे हैं। अब आपको एक चीज़ पता चल गई, ये जो रेड कलर का बार्स है ये हम लोगों को बियरिश इंडिकेट कर रहे हैं। अब बियरिश जो बार्स है वो अगर इतने ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, मतलब बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं, इसका इंडिकेशन तो यही है कि मार्केट निफ्टी अभी वीक है। अकॉर्डिंग टू पुट साइड पर अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर बुलिश साइड में जो बार्स बन रहे हैं वो बहुत लिमिटेड और बहुत कम बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है अपसाइड लिमिटेड है और डाउनसाइड अभी ज़्यादा है। ठीक है, एक चीज़ आपको और देखनी है, यहाँ पे अगर पुट साइड की बात करें तो ये जो बार्स हैं उसके साथ में आपको नंबर भी दिख रहे होंगे। जैसे पुट साइड में 15,700 पे एक सबसे ज़्यादा बार बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 27 और आपको एक 15,500 पे एक बार दिख रहा है जिस पे सबसे ज़्यादा है पुट साइड में, हाईएस्ट पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है जो कि 32 लाख का है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, अभी हम लोगों ने जब टेक्निकल एनालिसिस पे बात करी मैंने क्या बोला, सबसे पहला सपोर्ट कहां ले सकता है, 15,680 पे ले सकता है, 15,670 पे ले सकता है और वहीं पर इसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है ऑप्शन चेन पे भी, 15,700 है तो हम 30-40 रुपए का ऊपर नीचे मान के चलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक लेवल बोला था 15,530 अगर वो ब्रेक होता है तो। ठीक है, तो 15,500 पे सबसे ज़्यादा है तो मतलब दो सपोर्ट हम लोगों को जो टेक्निकल्स पे दिखा रहा था वही हम लोगों को ऑप्शंस पे दिखा रहा है। अब बात करते हैं, मैंने आपसे बोला लिमिटेड अपसाइड है, सो हम लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है
बार जो कि 15,900 पे आ रहा है, जहां पर ट्रिपल टॉप बना है, याद रखिएगा ट्रिपल टॉप बना है 15,900 पे, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब इंडिकेशन क्या है कॉल राइटिंग का, ये बताने का कि इसके ऊपर जाना अभी इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और हमें ये क्या बता रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है 15,500 पे, कि इसके नीचे गिरना सबसे ज्यादा अभी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब 15,900 टू 15,500 के बीच में मार्केट अपनी क्लोजिंग दे सकती है। और सबसे ज्यादा जो भी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 15,700 से लेके 15,800, ये एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अभी मार्केट अपनी पोजीशन लेकर बैठी है, सो देर इज अ हायर चांसेस कि 15,700 से लेके 15,800 के बीच में इस 1st of July को अपनी मार्केट क्लोजिंग दे, ठीक है। 15,900 को ब्रेक नहीं करेगी, 15,500 को ब्रेक नहीं करेगी, ओके। इस समय एक चीज तो पता चल गई है। अब यहां पर हम लोग चलते हैं, एक बार ओपन इंटरेस्ट की स्टडी करते हैं, वहां पर हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअल में दिखा क्या रहा है। सो यहां पर मैंने ओपन इंटरेस्ट ओपन कर लिया है निफ्टी का, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज पता लगनी है, ऑलरेडी आप लोगों को एक चीज तो पता है कि रेड जो रेड बार्स है वो हमारे लिए कॉल साइड है, मतलब बियरिश, एंड जो ग्रीन बार्स है वो हमारे लिए बुलिश है। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये आप लोगों को जीरो दिख रहा है, ये जीरो, जीरो के नीचे जो भी कैंडल्स होगी वो रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। जीरो के नीचे जो भी कैंडल्स होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी, और जीरो के ऊपर है वो सेम थी जो हम लोगों ने ऑप्शन चेन के अंदर भी स्टडी करी थी। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर सबसे ज्यादा जो बड़ी बार है वो कहां देखने को मिल रही है, ये वाली जो कि 15,800 पे आती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 15,800 पे हो रही है। यानी कि अगर कल ट्रेडिंग सेशन पे एक घंटा 15,001 अगर 15,800 के ऊपर नहीं टिका, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि शायद 15,800 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिले, ठीक है। 15,800 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिले, ऑप्शन चेन भी वही बता रहा था, टेक्निकल्स भी वही बता रहे थे, ठीक है। तो 15,800 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है शुरुआत के आधा घंटा भी, सो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो और नीचे जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को ये जो जीरो है, ये जीरो लाइन के नीचे आप लोगों को ये वाली कैंडल दिख रही है ना ग्रीन कलर की, और आप लोगों को देख रहे हो कि अगर ये ग्रीन कलर की लाइन नीचे बन रही है, ये कैंडल बन रही है, और ये पुट साइड की है, तो हमें एक चीज पता चल रही है, जिन लोगों ने पुट सेल करके रखा हुआ था, जिन लोगों ने पुट सेल को करके रखा हुआ था, पुट सेल का मतलब सपोर्ट, अभी बात करी थी ना, पुट सेल का मतलब होता है सपोर्ट। जिन लोगों ने भी पुट सेल करके रखा हुआ था उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दी। अब पुट बाय करने का मतलब क्या होता है, बियरिश ऑफ कोर्स। तो यहां पर जितने लोगों ने पुट सेल करी हुई थी उन लोगों ने बाय कर लिए, एक मतलब 1,000,000 लोगों ने, उसका मतलब इंडिकेशन कर रहा है कि और ज्यादा बियरिश साइन देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल पे होंगे, तो मैंने सुबह सुबह मार्केट क्लोज ओपन होने से पहले डाल दिया था कि मार्केट आज सबसे ज्यादा बियरिश है, ठीक है, और वो एक्चुअल में वैसा ही देखने को मिला। कैसे पता चला, सिंपल ओपन इंटरेस्ट की वजह से। सो अगर आप नीचे देखेंगे कॉल चेंज देख रहे हैं 6.6 मिलियन, कॉल चेंज का मतलब बियरिश, कॉल सेलर जो है वो 6.6 मिलियन है अकॉर्डिंग टू पुट सेलर जो कि 0.2 मिलियन है। सो हैवी सेलिंग प्रेशर है ऑन द मार्केट और लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड अपसाइड है ऑन अ बाय साइड, ओके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी का मैं एक बार ओपन कर देता हूँ आप लोगों को ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन पे अगर मैं बैंक निफ्टी को ओपन कर रहा हूँ, तो हमें एक चीज पता चल रही है, सबसे पहले पुट साइड में देखते हैं, सबसे ज्यादा जो पुट साइड में बार बनी हुई है वो बनी हुई है 35,000 पे। 35,000 एक सबसे ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है जो अभी भी मार्केट ले सकता है, बट अगर शुरुआती में ही एक गैप डाउन दिख जाता है या उसी के नीचे आधा घंटा सस्टेन कर जाता है 35,000 को, तो यहां पर जिन लोगों ने भी पुट को सेल कर रखा होगा उन लोगों के लिए तो लॉसेस शो होना हो जाएंगे। जैसे वो लॉसेस शो होना स्टार्ट होंगे, वो लोग क्या करेंगे, पुट जिन लोगों ने सेल करी हुई है उसे एग्जिट करने के लिए पुट को बाय करेंगे, और ज्यादा डाउन साइड हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसलिए अभी मैंने टेक्निकल्स पे क्या बोला, 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है और अगर उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो वहां पर एक हेवी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा अगर 35,000 ब्रेक करता भी है तो सबसे बढ़िया सपोर्ट कहां पर है, सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो आता है इस लेवल पे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 35, उसके बाद जो सबसे बढ़िया सपोर्ट आता है वो 34,500 पे आता है, ठीक है। और हम लोगों को इसके ऊपर जाने में अपसाइड जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा बार्स बन रही है कॉल साइड में और कितनी छोटी छोटी बार्स बन रही है ना पुट साइड में।
अब इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसका ओपन इंटरेस्ट यहां पर चेक करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहां पर जितने भी बार्स हैं वो हमारे सामने होंगे, विजिबल होंगे। अब आप एक चीज देखिएगा, कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी रेड कैंडल बनी है 35,000 पे, जो कि 1.1 मिलियन है, यानी कि अराउंड 11 लाख पीपल, 11 लाख ओपन इंटरेस्ट है ना कॉल साइड पे, कॉल राइटर्स पे। सो यहाँ पर आप लोग देखें, अगर बाय चांस ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों को होल्ड पोजीशन होल्ड करने के लिए पुट साइड में तो कहीं है ही नहीं, तो सीधा आप लोगों को 34,500 तक लेकर जा सकता है, जो अभी तक हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पे बात करी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देख रहे हैं कॉल साइड में 6.4 मिलियन पीपल की कॉल राइटिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट 6.4 मिलियन कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, और 0.3 मिलियन है पुट साइड में, पुट राइटर्स पे। सो देयर इज अ हैवी सेलिंग प्रेशर इज कमिंग ऑन द मार्केट, और मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोगों को एक लेवल बताता हूँ, ठीक है, एक लेवल हम मान के चलते हैं सेफ साइड में, अभी 35,000 की क्लोजिंग है, 35,300 का लेवल ब्रेक ही नहीं होने वाला। अब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं यार, हमने सारी बातें कर ली हैं तो एक बार FII को भी देख लेते हैं, वो बेचारा वो क्या कर रहा है। तो FII के डेटा पे आए तो हम लोगों को एक चीज़ पता चली, कॉल साइड में कॉल और पुट साइड है FII का, तो कॉल उन्होंने कितनी बाय करी है और पुट कितनी बाय और सेल करी है, वो भी हम लोग पता लगा लेते हैं। सो आज की मार्केट में FII ने कॉल लॉन्ग करी है 3.3 लाख और कॉल को शॉर्ट करा है 2.27 लाख, कॉल बाय करी और कॉल शॉर्ट करी है, ठीक है, तो मतलब कॉल ज्यादा बाय करी है अकॉर्डिंग टू कॉल शॉर्ट। पुट की बात करें तो उन्होंने पुट ज्यादा बाय करा है अकॉर्डिंग टू पुट शॉर्ट। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल भी करूं, क्योंकि कॉल शॉर्ट और पुट बाय दोनों एक ही चीज होती है, सो अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो मेरे सामने आ रहा है अकॉर्डिंग टू 5.8 लाख रुपीज, 5.8 लाख इन लोगों ने सेल साइड में पोजिशन बनाई है, ठीक है। और अगर मैं कॉल साइड की बात, पुट साइड की, लॉन्ग साइड की बात करूं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर है। तो मार्केट में वो लोग मान के चल रहे हैं डाउन साइड टू साइड वेस, मतलब ज्यादा लिमिटेड अपसाइड नहीं है ना, ज्यादा डाउन साइड है, एक साइड वेस टू डाउन साइड मार्केट रिएक्ट करेगी। अगर मार्केट नीचे भी जाएगी तो रिकवर करके इन्हीं लेवल्स पे दोबारा आ जाएगी, ये वाला पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो वो दोबारा रिकवर करके इसी लेवल पे आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा नीचे जाते हैं तो नीचे जाके पता चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर में उन लोगों ने 13,100 करोड़ का शॉर्ट कर रखा है उन लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में वो शॉर्ट है, और उसके अलावा अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो वो ऑप्शंस पे स्टेबल है, ठीक है। तो इससे इंडिकेशन मिल रही है साइडवेज, मतलब स्टेबल टू डाउन साइड, नॉट अपसाइड, साइडवेज टू डाउन साइड, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो रिकवर भी कर सकती है, ओके। आई होप आप लोगों को ये पूरी एनालिसिस समझ में आई होगी, आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा मैं किस तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। सो यहां पर आप लोग डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड की पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं, लिमिटेड शॉर्ट साइड, मतलब आप एक रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। आप दो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, एक तो आयरन बटरफ्लाई को कर सकते हैं या कॉन्डोर को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्डोर हो गया कि मतलब आपने एक रेंज डिसाइड कर ली 15,900 से 15,500 की, कि अगर उस रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। और एक्चुअल में अगर हम लोग आयरन बटरफ्लाई को मान के चलते हैं, जिस तरीके से मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे लगता है 15,700 से 15,800 के बीच में ही क्लोजिंग मिलेगी, तो आप उसके लिए आयरन बटरफ्लाई को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग इस ऑप्शन चेन पे, ये जो मैंने पूरे मेथड समझाए हैं, अगर आप इस पे और रेडीमेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, अगर इस वीडियो के अंदर 1,000 लाइक्स आते हैं तो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा और वो वीडियो पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप वीडियो पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस होल वीडियो, एंड आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि इस तरीके की वीडियोस आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं एंड आप लोगों को ये कैसी लगी है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।